एमपी में मॉनसून दस्तक दे चुका है। जहां बारिश से उमस तो कम हो गई है, लेकिन महंगाई अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। महंगाई की मार का असर सीधा आम जनता की जेब पर पड़ने लगा है। खंडवा में टमाटर और धनिया का भाव सातवें आसमान पर पहुंच गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खंडवा में मानसून की दस्तक के साथ ही महंगाई ने भी अपनी दस्तक दे दी है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन लोगों की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। हरी मिर्च, शिमला मिर्च ने लोगों के आंसू निकाल दिए हैं। आलू, प्याज, लौकी के दाम से भी सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। महंगाई डायन खाए जाए। खंडवा में भी इन दिनों आम लोगों का यही हाल है। कभी सब्जी के साथ मुफ्त मिलने वाला धनिया 200 रुपए किलो, तो टमाटर 80 रुपए किलो तक शहर के बाजारों में बिक रहा है। महंगाई की बात की जाए तो ड्राई फ्रूट से लेकर दालों तक पर महंगाई का असर साफ दिख रहा है और लोगों के किचन से इनका स्वाद अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। इमरान खान, News 24, खंडवा। हरा धनिया जहाँ थोक विक्रेता 100 से 120 रुपए में बेच रहे हैं, तो टमाटर थोक में 45 से 50 रुपए में मिल रहे हैं, वहीं खुदरा में 70 से 80 रुपए। इसी तरह हरी मिर्च 80 से 100 रुपए थोक में मिल रही है, तो 160 से 180 रुपए खुदरा मूल्य पर। लौकी भी 30 से 40 रुपए थोक विक्रेता बेच रहे हैं, जबकि खुदरा विक्रेता 50 से 60 रुपए में। प्याज की बात की जाए तो थोक में 20 से 30 रुपए इसका मूल्य है, जबकि खुदरा में 40 से 50 रुपए। आलू भी इसी तरह 20 से 30 रुपए में थोक में मिल रहा है, जबकि 40 से 50 रुपए में खुदरा में। शिमला मिर्च भी 45 से 50 रुपए के रेट में है थोक में, जबकि खुदरा मूल्य 100 से 120 रुपए है। सब्जियों के रेट को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये मौसम का इफेक्ट है या फिर मुनाफाखोरी का साइड इफेक्ट। सब्जियों में इन दिनों महंगाई का तड़का लगा हुआ है, जिससे न केवल आम लोगों का बजट बिगड़ रहा है, बल्कि महिलाओं के किचन का स्वाद भी खराब हो रहा है। पिछले एक दो सप्ताह से टमाटर को हरा धनिया, इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। टमाटर की बात करें तो टमाटर लोकल स्तर पर बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिससे बाहर से आयात करना पड़ रहा है। इसमें एक्स्ट्रा भाड़ा लग रहा है, हमाई लग रही है, जिससे बाजार में तेजी, चाहे चिल्लर में हो चाहे थोक में हो, हमें तेजी आई है। हरे धनिया की बात करें तो जहाँ हरा धनिया 10 रुपये 20 रुपये किलो बिक रहा था, आज वही हरा धनिया 120 से 130 रुपए किलो बिक रहा है। खंडवा मंडी में थोक में टमाटर की 20 किलो की कैरेट 900 तो 25 किलो की कैरेट 1200 रुपए तक बिक रही है। वहीं हरा धनिया 160 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। यानी कि मंडी से आप थोक में टमाटर लेते हैं तो आपको ये 45 से 50 रुपए किलो तक मिलेगा, लेकिन थोक से बाजार में आते आते टमाटर 60 से 80 रुपए किलो और हरा धनिया 200 रुपए किलो तक मिल रहा है। बाकी सब्जियों के भी यही हाल है। कारण ये है कि सब्जियां बहुत कम हो गई है, आवक बहुत कम हो गई है, उसकी वजह से माल थोड़ा महंगा है और ज़्यादातर माल लोकल जो है यहाँ से कम हो गया है और सब बाहर से लगभग माल आ रहा है। और धनिया, जैसे धनिया पूरी पानी की वजह से सड़ गई है, धनिया 40 रुपये किलो थी, अब 200 रुपये किलो हो गई है। टमाटर 40, 30, 40, 60, 70, 80 रुपये किलो हो गया है। मिर्ची जो थी 40 रुपये 50 रुपये किलो, वो 120 और 140 रुपये किलो हो गई है। टिंडे बिक रहे हैं जो 30-40 थे, 70 रुपये किलो हो गए हैं, 60 रुपये किलो थोक का भाव हो गया है। महंगाई का असर घर गृहस्थी पे बहुत पड़ रहा है। देखो, एक तरह से टमाटर पहले 10 रुपये किलो थे, आज 60 रुपये किलो हो गए हैं। तुअर की, अरहर की दाल 170 रुपये किलो हो गई है। धनिया पहले ऐसे ही दे देते थे सब्जी वाले, 5 रुपये का 2 रुपये का दे दिया, आज लेने जाओ तो 20 रुपये का थोड़ा सा देते हैं। अभी टमाटर और कोतमीर का भाव बहुत टाइट है। टमाटर बिक रहा है 60 रुपये किलो और कोतमीर बिक रहा है 160 और 200 रुपये किलो। पहले जो सब्जियां कम में आती थी, टमाटर हुआ 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो मिल जाता, आज वो 60 रुपये, बीच कल परसों 100 रुपये किलो हुआ। फिर आपके चलते भिंडी है, गिलकी है, ये सब चीज़ों के भाव मतलब बढ़ गए हैं। अभी सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। सब्जियों के दाम ने ऐसे रफ्तार पकड़ ली है मानो इसमें कोई कंपटीशन चल रहा हो। महंगाई डायन खाए जाए। खंडवा में भी इन दिनों आम लोगों का यही हाल है। कभी सब्जी के साथ मुफ्त मिलने वाला धनिया 200 रुपए किलो, तो टमाटर 80 रुपए किलो तक शहर के बाजारों में बिक रहा है।
महंगाई की बात की जाए तो ड्राई फ्रूट से लेकर दालों तक पर महंगाई का असर साफ दिख रहा है और लोगों के किचन से इनका स्वाद अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। इमरान खान, न्यूज 24, खंडवा।